सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों में फंसे मजदूर व अपने अपने गृह जनपदों में बड़े पैमाने पर पहुंच रहे उन मजदूरों का जॉब कार्ड बनाया जाए, वहीं विकलांग मजदूरों को भी वरीयता दी जाए, प्रतिदिन अपने ग्राम सभा के अंतर्गत ही कार्य कराए जाएं। इस दौरान CDO हर्षिता माथुर, मनरेगा के DC उमेश तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। काम नहीं करने की स्थिति में है, अगर वो लोगों को पानी पिला सकते हैं, अटेंडेंस ले सकते हैं या उनका काम वगैरह देख के बोल सकते हैं कि क्या करना है कैसे करना है, तो उनको मेंट के रूप में आप जरूर लगाएं। हम लोग राज्य स्तर पे एक व्यवस्था कर रहे हैं कि मेंट के लिए पेमेंट जो भी करना है उसके लिए अलग से पैसा पड़ा रहे, सीधे रूप से भी आप इसमें कर सकते हैं। कई जिले में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें काम ही नहीं चल रहा है, जैसे रायबरेली में बहुत कम 600 सभी को काम दे रहा है, खास करके जो इमिग्रेंट आ रहे हैं। तो लेबर बजट अभी जो आपका है उसको एग्जॉस्ट करिए और उसके ठीक पहले फिर उसको रिवाइज करने के लिए आप प्रस्ताव नरेगा सेल में भेजिए और भारत सरकार को भेजिए। कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, आप लोग सभी को 10 बजे के लिए बताया गया था लेकिन अब वो 9:30 बजे मुख्यमंत्री जी का है। उसमें लगभग 225 करोड़ रुपए ग्राम रोजगार सेवकों का जो बकाया चल रहा था 3 साल का वो रिलीज किया जा रहा है।